सनत, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। आज है सैटरडे और अभी मेरे को सो के उठे को एक डेढ़ घंटा हुआ है। अभी मेरी आवाज इसलिए थोड़ी सी हार्श आएगी। अब मैं लगी हूँ ब्रेकफास्ट अपना बनाने। सैटरडे था और मेरा बहुत ज्यादा सैंडविच खाने का मन कर रहा था, तो अभी मैं लगी हूँ सैंडविच बनाने और उसके बाद हमें कुछ कुछ काम है, वो काम निपटाएंगे। चलते फटाफट से किचन में और आप सबको सिखाती हूँ अपना क्विक वाला टेस्टी सा सैंडविच बनाना। सो ये है मेरे सैंडविच की फिलिंग। इसके लिए मैंने लिया है कैबेज, कैप्सिकम और टमाटो। कैबेज और कैप्सिकम को मैंने बहुत बारीक चॉपर में चॉप किया है, टमाटो को मैंने थोड़ा सा डाइस से साइज में काटा है। इसमें मैंने ऐड किया है, मेरे पास मैगी का मसाला पड़ा हुआ था, मैगी नूडल्स का एक पाउच, वो सॉल्ट। और अब मैं इसमें थोड़ा सा एक स्कूप डालूंगी इसमें मेयोनीज या चीज जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा। मेरे ख्याल से मेरे पास मेयोनीज है तो मैं मेयोनीज ऐड करूंगी इसमें। मेरे पास है ये वाली सैंडविच स्प्रेड, ये मैं उस फिलिंग में ऐड कर दूंगी और फिर बस सिंपल इसको हम स्लाइस पे लगाते जाएंगे और अपना ग्रिल टोस्टर में टोस्ट करते जाएंगे। लगा था मैंने शॉट ले लिया है, लेकिन ये शॉट मेरा मिस हो गया, कैमरा ऑन ही नहीं था, सो सॉरी। तो इसमें मैंने ऐड किया है लैपिनोस का, ये ऑरिगेनो मेरे पास पड़ा था। अगर आपके पास कोई भी ऑरिगेनो पड़ा हो तो आप डाल लेना, अगर आप पे मिक्स सीजनिंग पड़ी हो तो वो भी डाल सकते हो, पर वो मैं स्किप करूंगी। और मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इसमें ऐड की है सॉस, अगर आप करना चाहें तो करना वरना मत करना। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको ब्रेड में लगाना शुरू करेंगे। पहले हम सारे स्लाइसेस पे वन बाय वन बैटर लगा लेंगे और उसके बाद इसको ग्रिलर में डालते हैं। मेरे पास कोई अभी है नहीं कि कोई मेरा कैमरा पकड़ ले, तो मैं एक बार आपको सारे स्लाइसेस पे स्प्रेड लगा के फिर दिखाती हूँ। सो इस तरीके से हमने एक मीडियम लेयर लगा ली है अपने स्प्रेड की, जो फीलिंग अंदर जाने वाली है उसकी। ना ज्यादा थिक होनी चाहिए ना ज्यादा पतली, क्योंकि पतली होगी तो टोस्ट होने के बाद टेस्ट नहीं आता, और थिक होगी तो खाते टाइम पे ना वो सारा बाहर निकलती है फीलिंग, तो वो मुझे मैस नहीं अच्छा लगता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस लगाएंगे और दूसरा स्लाइस लगाने के बाद इसको हम कर देंगे ग्रिल। और ये मैंने लगा दिया अपने ग्रिल टोस्टर में और अब इसको हम करेंगे ग्रिल। और ये हमारा फर्स्ट लॉट निकल के तैयार है। इसमें दो सैंडविचेस हैं, मैं अब इसको पार्ट कर लेती हूँ और फिर अब इसको करेंगे इंजॉय। आप चाहो तो साथ में सॉस ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बहुत यम लगेंगे और मैं इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ। और मैं मिलती हूँ आपसे इसको खाने के बाद। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, फटाफट से नहा धो लेते हैं क्योंकि मैंने जाना है डैडी के साथ। डैडी की उन्हें आज कुछ ब्लड टेस्ट और उसके बाद मेरे को करनी है थोड़ी थोड़ी और शॉपिंग, कुछ कुछ सामान लेना है घर के लिए। विंटर्स जा रहे हैं और मैं काफी मोटी हो रही हूँ तो मेरे कपड़े बहुत ज्यादा टाइट हो चुके हैं, तो अपने लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। और लेट हो चुकी हूँ, 10:30 ऑलरेडी हो चुकी है, तो फटाफट से निकलते हैं। नाउ आई एम रेडी टू गो। डॉक्यूमेंट ले लिया है, सब कुछ ले लिया, फटाफट से निकलते हैं उससे पहले कि डैडी से डांट पड़ जाए। डैडी को फोन कर दिया, डैडी जितनी देर में नहीं चाहेंगे उतनी देर ही मुझे लगेगी। कितना अच्छा लग रहा है, खाली खाली रोड और अच्छा अच्छा मौसम। मैं और डैडी पहुंच गए फिर हॉस्पिटल डैडी के टेस्ट करवाने के लिए। अंदर मैंने कुछ नहीं शूट किया, बस यहीं पर हॉस्पिटल का जो शूट किया। उसके बाद हम निकल गए टेस्ट करवा के, हमें कुछ प्लांट्स वगैरह लेने थे वो लेने के लिए। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, मन कर रहा था सब कुछ ले लो। तो यहाँ से हमने एक ही फ्लावर का लिया जो लिया, और वहीं पर साइड में था कोकोनट वाटर वाला, जो जिसको देख के मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। तो मैंने और डैडी ने यहाँ पर फिर कोकोनट वाटर इंजॉय किया, बहुत ही सही था, मतलब ना बहुत टाइम बाद ठंडा ठंडा और फुल ऑफ वाटर था। तो मैंने और डैडी ने यहाँ पर कोकोनट वाटर इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम निकल गए विशाल मेगा मार्ट जाने के लिए, जहाँ से मुझे सामान लेना था कपड़े। जैसे कि मैंने बताया था, हम रेगुलर वेयर के विशाल मेगा मार्ट से ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरे को गौरव के लिए एक रेगुलर वेयर की टी शर्ट लेनी थी और एक डेनिम लेनी थी, तो वो ली। और बस एक जीन्स मम्मी ने काय लेनी है उसकी। Shopping of rupees 599. Download the app from Android Play.
इसके बाद हम निकल गए वापस घर आने को, क्योंकि मेरे को बार बार ऑफिस से कॉल आ रहा था। आ चुके हैं हम घर और काफी ज्यादा थक भी गई हूँ, लेकिन अब मुझे करना है अपना ऑफिस का काम और मेरी एक मैम के साथ कॉन कॉल भी है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में या बीच में अगर टाइम मिलता है तब। और ये थे मेरे सीजन के पहले ग्रेप्स। सो ऑफिस का काम धाम करके मैं हो चुकी हूँ वेली। वेले होने के बाद ना मैं रील्स बनाने की ट्राई कर रही थी। रील्स ट्राई करते करते ना मैं थक गई, तो इतना टाइम हो गया मैंने रील्स बनाई नहीं, तो मैं रील्स बनानी भूल चुकी। वैसे तो देखो कुछ मैं बनाती खास नहीं हूँ, जो गाना होता है मैं अपने जो एक्सप्रेशन देने होते हैं वही देती हूँ, बट ना मैं जिसकी भी रील देख रही हूँ ना वो सारे कैमरा के साथ प्ले करते हैं, मतलब कैमरा जूम, कैमरा क्लोज, जो भी है, मतलब कैमरा टू 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 कैमरा के साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मुझे लगा शायद कोई उनकी बनाता होगा, लेकिन कैमरा के साथ खेलना तो फिर भी बहुत बड़ा टास्क है। अगर कोई बनाता होगा, मेरे पास तो कोई है ही नहीं बनाने का, लेकिन मैंने देखा कई लड़की सेल्फी कैमरा के साथ भी बड़ा अच्छा कर रही होती है, और मुझे नहीं आता। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं लास्ट आधे पौने घंटे से जो भी कर रही हूँ ना ये रील बनाने की, नहीं मेरे से बन रही है। तो अब मैं सिंपल सी एक रील बना रही हूँ। अगर आप यूट्यूब पे हो और मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मेरी रील जाके देख लेना कैसी बनी है कैसी नहीं। एंड वन मोर थिंग जिसके लिए मैं बेसिकली ये कैमरा उठाया था, क्योंकि मैं रील बना बना के तो थक गई ना। आपको याद हो कुछ व्लॉग्स पहले मैंने, मतलब आज से 3 महीने पहले बताया था कि मेरी एक बच्चों की बुक आ रही है, स्टोरी बुक, जो कि पेपर महंगा सस्ता होने के चक्कर में वो मैंने रोक रखी थी, बट अभी चॉइस नहीं बची थी तो मैंने उसको पब्लिश कर दिया है। और पब्लिश करने के बाद पब्लिशर से कुछ कुछ डिस्काउंट ऑफर की भी बात की है मैंने, जो होपफुली मैं आप सबके साथ डिस्क्लोज करूंगी अगर मुझे वो डिस्काउंट मिल जाता है, जो भी हो जाता है, क्योंकि जरा सा भी डिस्काउंट मिल जाए तो अच्छा है। और अगर आप ना ले सको पेपर बैग में तो उसको आप ऑनलाइन किंडल पे भी पढ़ सकते हो। सो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी वो जो बच्चों की बुक थी वो बुक लॉन्च होने वाली है, होपफुली जब तक ये व्लॉग आएगा वो बुक भी लॉन्च हो जाएगी, तब तक पब्लिश हो जाएगी, अमेजन फ्लिपकार्ट और उसकी खुद की साइट पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अपने बच्चों को स्टोरी बुक की हैबिट डालना चाहते हैं तो प्लीज वो बुक जरूर खरीदेगा, या फिर आप किंडल में भी पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च करवाऊंगी, आप किंडल पे भी पढ़ सकते हो उसको। और वो जो बुक आने वाली है मेरी, वो कुछ पुराने स्टोरीज और कुछ मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरीज का कलेक्शन है, जो मैं खुद स्टोरीज मैंने, मतलब उसमें कुछ स्टोरीज जो है वो मैंने खुद बनाई है अपने मन से, और कुछ स्टोरीज जो है वो हम छोटे होते से सुनते आ रहे हैं और मोरल वैल्यू के लिए, तो उसको रीराइट किया है मैंने। तो अगर मन करे तो आप वो खरीद सकते हैं, ना मन करे तो किंडल पे देख सकते हैं, और फिर भी मन ना मन करे तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो होपफुली जब ये व्लॉग आएगा तब तक वो बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी होगी। अब उसके बाद मेरी एक और बुक लाइनअप है, और वो बुक जो आने वाली है, वो बुक आने वाली है कि मेरे ख्याल से होली के आसपास दूसरी जो आने वाली है, वो बड़ों के लिए भी है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, जो रीड करना जानता है वो कोई भी पढ़ सकता है। एंड वो जो बुक है वो इंग्लिश में होने वाली है। सो बहुत कुछ लाइनअप है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बहुत अपने आप को डेवलप करूंगी, अपने स्किल्स डेवलप करूंगी, ग्रो होना है मुझे। तो आप जो बुक लेना चाहे आप वो खरीद सकते हैं, नहीं लेना चाहे आप किंडल पे पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे घर के आसपास रहते हैं तो मेरे से बोरो कर सकते हैं, मैं बोरो करने के लिए दे सकती हूँ, पर मैं परमानेंट अपनी ऑथर कॉपी नहीं दूंगी। तो यही सब कहने के लिए मैंने फिलहाल कैमरा उठाया था, और रील के लिए अगर कोई मुझे समझा सके वो कैमरा के साथ कैसे खेलते हैं तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे सच्ची नहीं सेल्फी कैमरा के साथ टू 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 करना आ रहा। और अब मैं जरा अपना थोड़ा बहुत और निपटा लूं, मैंने सुबह से ना ऐसी घूम रही हूँ, मतलब काम कर रही थी, काम करते हुए तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है ना घर में, तो अब जरा बाल बाल बांधती हूँ और थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती हूँ, क्योंकि सुबह से स्क्रीन के आगे ही बैठी हुई हूँ, छुट्टी होके भी छुट्टी नहीं है मेरी, सुबह से काम करना पड़ रहा है। तो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, मैं कितना फंबल करती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आज मम्मी ने डिनर में बनाया था नान और सफेद छोले, जो कि बहुत ही यम थे। सो मॉर्निंग एवरीवन, हो चुका है नेक्स्ट डे, और कल मैंने व्लॉग का कोई एंडिंग शूट नहीं की, कुछ एंडिंग ले ही नहीं पाई, तो अभी करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज व्लॉग को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप सबसे न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।